डिस्ट्रीब्यूशन में करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी बताते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मुहैया करवाने की अपील की। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त किए जाने की भी मांग केंद्र से की है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस के इलाज को आयुष्मान भारत और दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल करने की भी अपील की, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया और दावा किया कि सरकार पहले ही विदेश से दवा लेकर राज्यों को दे रही है। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए और उससे ज्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं। यह जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है। कांग्रेस अब नकारा राजनीति पे उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का भी दावा किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। केंद्र सरकार के मानक के, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को और उत्तर प्रदेश ने भी कल इस महामारी एक्ट के अंतर्गत ब्लैक फंगस को एक गंभीर बीमारी में अधिसूचित कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ से गाइडलाइंस पूरी जारी कर दी है कि किस तरह से, जैसे डेकाड्रॉन या कॉर्टिसोन जिनकी चल रही है या जो डायबिटीज़ जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। और जो ओरली जो लोग मार्केट से ऐसी ले रहे हैं, उनको के लिए कहना है कि जब तक कोई चिकित्सक एडवाइज़ न करे तब तक जो है कॉर्टिसोन वो न लिया जाए। परवाही नहीं होनी चाहिए और इसके रोकथाम के लिए प्रॉपर हाइजीन, ऑक्सीजन का जो बोतल है जहाँ से पानी के ह्यूमिडिफाई करते हैं उसको बराबर बदलना, पाइपलाइनों की ठीक से रख रखाव, ऑक्सीजन के फिल्टर्स जो होते हैं कंसंट्रेटर्स उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए और ये हाइजीन से सीधे रिलेटेड, इसलिए प्रॉपर हाइजीन मरीज का और इक्विपमेंट जो इसको यूज हो रहे हैं कोरोना में वो सबका होना चाहिए। कोरोना के बाद